हेलो एवरीवन वेलकम टू टेक्निकल अडर ट्वेंटी फोर सेवन माई नेम इज़ अंशु सिंह गौतम और आज हम पढ़ेंगे जैसे कि आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा सेमी कंडक्टर सेमीकंडक्टर्स सेमी कंडक्टर्स हमने पढ़ा था एनर्जी बैंड डायग्राम्स हमने पढ़ा था कि क्यों हम सेमी कंडक्टर्स को यूज करते हैं बेसिकली उसके कुछ बेसिक्स फॉर्मुलेज देखे थे कि आपका ड्रिफ्ट करेंट क्या होता है डिफ्यूजन करेंट डेंसिटी क्या होता है हमने कल न्यूमारिकल्स भी सॉल्व किए थे क्लास में तो किसी को कोई भी डाउट हो तो आप डाउट पूछ सकते हैं तो आज हम स्टार्ट करेंगे बेसिकली सेमी कंडक्टर डायोड्स और सेमी कंडक्टर डायोड इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर फॉर द ई डी सी इन द गेट एग्जाम आपके गेट एग्जाम में डायोड से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और प्लस ये आपके बेसिक नॉलेज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है आज हम कवर करेंगे बेसिकली जो पी एन डायोड हो है, उसमें जब बायसिंग नहीं करते अनबायस्ड रहता है बेसिकली जब तो अनबायस्ड के केस में आपका पीएन जंक्शन कैसे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी या नहीं होगी डिप्लीशन लेयर क्या होता है डिप्लीशन लेयर कैसे काम करता है क्या है क्या एक्चुअल में डिप्लीशन लेयर इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करते हैं इन्हीं सब चीज़ों पर डिस्कस करेंगे तो जो लोग भी आ चुके हैं जल्दी से कमेंट कर दीजिए और फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और किसी को कोई भी डाउट है तो आप डेफिनेटली कमेंट करके पूछ सकते हैं गौरव जी कह रहे हैं मास्टर स्लेव की आउटपुट चेंज कब होती है देखिए गौरव जी जो मास्टर स्लेव की आउटपुट चेंज होती है जब आपका स्लेव का आउटपुट चेंज होता है ठीक है एंड अगर ईडीसी में कोई डाउट है तो आप प्लीज ईडीसी के डाउट यहाँ पर पूछिए ठीक है लेकिन मैंने आपका आंसर कर दिया है वैसे डिजिटल का कि आपका स्लेव का जो आपका ऊपर मैंने कमेंट देखा था अभी आपने बिल्कुल सही लिखा है कि जब आपका स्लेव का आउटपुट चेंज होता है तभी आपका मास्टर स्लेव का आउटपुट चेंज होता है तो नमन जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग नमन जी गुड मॉर्निंग तो बिल्कुल नहीं लगता आप अभी जगे हैं ठीक है बिल्कुल गुड मॉर्निंग नहीं है ये है गुड आफ्टरनून ठीक है <laughs> तो चलिए गुड आफ्टरनून यू कैन सेंड क्लास टाइमिंग क्या है तो जो लोग भी नए हैं नए जुड़े हैं हमारी वीडियो से तो क्लास की टाइमिंग आपकी डेली मंडे टू फ्राइडे और आपकी टाइमिंग है 3 पी एम टू फोर पी एम फोर द ई सी ब्रांच ई सी ब्रांच में गेट की प्रिपरेशन के लिए ईडी से स्टार्ट हुआ है एंड उसकी टाइमिंग है 3 पीएम टू 4 पीएम और डेली आपकी इसी क्लासेस 3 पीएम टू 4 पीएम चलती हैं ठीक है ठीके? ओके गौरव जी कह रहे हैं आरआरबी जी में ऑब्जेक्शन रेज करना है बिल्कुल आप कर सकते हैं ठीक है ओके ओके अमिदित गुरुजी कह रहे हैं उनके एक फाइनल एग्जाम चल रहे हैं अभी इसलिए वो आपकी हमारी वीडियोस नहीं देख पा रहे कोई बात नहीं आप एग्जाम पे फोकस करिए एग्जाम भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ठीक है तो एग्जाम करिए बहुत अच्छे से करिए हमेशा हम सभी की बेस्ट विशेज आपके साथ हैं तो बहुत अच्छे से एग्जाम दीजिए और उसके बाद हमारे से वापस से जुड़ जाइए और वापस से अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रैक्टिस में लग जाइएगा ठीक है तो अभी एग्जाम पे फोकस करिए बिल्कुल आ, नमन जी कह रहे हैं गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून शिवम जी आ चुके हैं शिवम जी कह रहे हैं गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून शिवम जी आप सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून ये क्या हेलो माम दुर्गेश जी कह रहे पी मिलेगा मैम तो देखिए जो पी है आपका आपके क्वेश्चन आपके प्रोवाइड कर दे जो भी मैं क्वेश्चन कराती हूँ उसका पी डी प्रोवाइड करती हूँ आप जाके आप नीचे लिंक में देख लिया करिए आराम से आपको पी मिल जाएगा ठीक है ठीक है तो चलिए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं बहुत सारी बातें हो गई हैं आ, या जी देखिए आपके जो भी डाउट्स हैं इनके हम अलग सेशन ले सकते हैं बाद में कमेंट कर दीजिएगा मैं मैं रिप्लाई कर दूंगी आपके अलग सब्जेक्ट के अगर डाउट है तो आप नीचे वीडियो के नीचे आप कमेंट्स कर दीजिएगा अभी अगर मैं सभी सब्जेक्ट के डाउट्स लूंगी तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा आपका ना ई डी से कम्प्लीट हो पाएगा ना वो सब्जेक्ट कम्प्लीट हो पाएगा सो so, इससे बेटर है कि आपको जो भी डाउट होते हैं आप उन्हें कमेंट कर दिया करिए तो मैं कमेंट कर कमेंट के थ्रू पॉसिबल हुआ अगर कमेंट के थ्रू तो मैं कमेंट के थ्रू समझा दूंगी अदरवाइज अगर वीडियो पॉसिबल हुआ तो मैं आपकी वीडियो ले आऊंगी ठीक है तो आप लोग बाद में मैं आपके इस तरीके के डाउट क्लियर कर दूंगी ऑनलाइन पेड कोर्स फॉर द गेट न्यू इवेंट कह रहे हैं देखिए अभी तो पेड कोर्स नहीं स्टार्ट हुआ है गेट का लेकिन बहुत जल्द आपका स्टार्ट हो जाएगा और जब भी आपका ऑनलाइन पेड बैच स्टार्ट होगा गेट का तो आपकी एक इवेंट बना दिया जाएगा आपको बता दिया जाएगा आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी ठीक है तो आपको बिल्कुल बता दिया जाएगा तो टेस्ट सीरीज वगैरह सभी कुछ आपको चीजें बता दी जाएंगी जैसे ही सब लोग सब चीजें तैयार हो जाएंगे ऑनलाइन पेड बाचेज टेस्ट सीरीज सभी कुछ आपको बता दिया जाएगा ठीक है आ, बीटेक सब्जेक्ट वीडियोस नहीं हैं देखिए वीडियो वही मैं भी कह रही हूँ कि जो बीटेक के सब्जेक्ट्स हैं लाइक आपके ईडीसी डी है एनोलॉग है बीटेक टेक के सब्जेक्ट्स क्या हैं जो कि आपके गेट में पूछे जाएंगे जो कि आपके आईईएस में पूछे जाएंगे तो वीडियोस अगर नहीं भी अवेलेबल हैं तो आपको मैं डेली तो करा रही हूँ अगर आप डेली इतना भी पढ़ लेंगे तभी भी आपका काफ़ी कुछ कवर हो जाएगा पैलली हालांकि मैथ्स को लेके चलिए बिकॉज मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है तो थोड़ा थोड़ा उसे पढ़ते रहिए थोड़ा थोड़ा एप्टी साथ करते रहिए सो दैट कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छी प्रैक्टिस हो ठीक है मैं कभी ऐसा नहीं कहूँगी कि सिर्फ आप एक ही सब्जेक्ट को ले कर चले आप उसके पैलली मैथ्स को लेकर चल ले चले, या फिर एप्टीट्यूड को लेकर चले सो so देट कि आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से होगा आपका टाइमली पूरा कवर हो जाएगा सिलेबस ठीक है यूपी पी सी एल ए की भी क्लास लगेंगी देखिए जो आपकी यू पी पी सी एल हो चाहे कोई सा भी आपका एग्जाम हो जो आपका गेट का टेक्निकल का सिलेबस है वो हर एग्ज़ाम में आपका अप्लाई होगा क्योंकि जो गेट का सिलेबस है वो सारे सब्जेक्ट्स को बेसिकली कवर करता है चाहे वो ई डी सी एनालॉग नेटवर्क कंट्रोल सिग्नल्स ई एम टी कम्युनिकेशन जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सभी सिलेबस को कवर कर लेता है वेदर इट इज़ यू पी पी सी एल वदर इट इज़ आर आर बी जे ई चाहे जे यू हो और चाहे ए यू और खास करके ए ई का जो सिलेबस है वो खास करके गेट अपने आप में कवर कर लेता है तो आपके कोई सेपरेट क्लासेस की नीड ही नहीं है जब यही चीज है चाहे आप इसे यूपी पी सी कह लीजिए चाहे आप इसे गेट कह लीजिए हर चीज में सेम टॉपिक है लगभग लगभग आपके एक आधा ही टॉपिक मुश्किल से टेक्निकल में इधर उधर होता है अदरवाइज सेम सिलेबस रहता है ठीक है ओके okay. ठीक है तो चलिए वीडियोस को स्टार्ट करते हैं अपनी एज इट इज तो आज का टॉपिक जैसे मैंने अभी बताया सेमीकंडक्टर डायोड्स सेमीकंडक्टर डायोड्स सेमी कंडक्टर डायोड्स कमेंट करके बताइए जल्दी से अगर आप सेमी कंडक्टर डायोड्स के बारे में कुछ भी जानते हैं कैसे आपका पी एन जंक्शन क्या होता है पी एन जंक्शन डायोड पी एन जंक्शन फॉर्म कैसे होता है बेसिकली तो कमेंट करके बताइए जल्दी से और फिर हम इसके बारे में जानते हैं ओके okay, अमृत गुरु जी कह रहे हैं थैंक यू सो मच मैम थैंक यू अमृत गुरु जी आपको कोई भी डाउट हो डेफिनेटली आप पूछ सकते हैं ठीक है तो चलिए तो बात करते पी एन जंक्शन डायोड की तो कमेंट करके जल्दी से बताइए पी एन जंक्शन डायोड से आप क्या समझते हैं डायोड है बेसिकली क्या है पीएन जंक्शन पीएन जंक्शन का मतलब बताइए पहले फिर हम पढ़ेंगे पीएन जंक्शन डायोड कैसे फॉर्म कैसे होता है पीएन जंक्शन कमेंट करिए जल्दी से जल्दी से कमेंट करके बताएंगे आ, प्रकाश जी कह रहे पूरा सिलेबस करवाओगे मैम बिल्कुल आपका प्रकाश जी जितना पॉसिबल हो सका मैक्सिमम आपका पूरा सिलेबस में कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगी ठीक है तो और मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगी कि आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए जितना भी ई का गेट का सिलेबस है मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए ठीक है सो देट कि आप लोग का एग्ज़ाम बहुत बहुत अच्छा हो क्योंकि गेट की पोस्ट आप ऑब्वियसली आप भी समझते हैं कि अगर गेट में अच्छे मार्क्स आ जाए अच्छा स्कोर आ जाए तो बहुत अच्छा फ्यूचर आप लोग का हो जाएगा या सभी का हो जाएगा जो लोग भी वीडियोस देख रहे हैं और सबसे बड़ी बात जो लोग भी वीडियोस देख रहे हैं वो शेयर और लाइक करना मत भूलिए वीडियो नहीं पसंद आ रही अनलाइक कर दीजिए कोई बात नहीं है अगर कोई भी डाउट है किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है सजेशन है आप कमेंट कर सकते हैं अनलाइक कर दीजिए लाइक कर दीजिए जो भी आपको लग रहा है वो कर दीजिए ठीक है और शेयर करना जरूर बिल्कुल मत भूलिए क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो कि कोचिंग से नहीं जा सकते हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं गाँव में रहते हैं सुविधाएं नहीं होती है तो उन तक ये वीडियोस पहुंचे सो देट कि वो लोग भी अच्छी पोस्ट पे पहुंचे और अच्छा हमारे देश के लिए हो आप सभी के लिए हम सभी के लिए वो चीजें अच्छी हों ठीक है तो कमेंट भी आ चुके हैं हमारे पास श्यामल जी कह रहे हैं सेमी डिवाइस होती है ठीक है सिविल इंजीनियरिंग का कब से होगा सनी जी कह रहे हैं स... देखिए सिविल इंजीनियरिंग आपका जल्द ही हो जाएगा मैं डेली यही बात बता रही हूँ आपका सिविल हो मैकेनिकल हो बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगा सर आपके एक दो दिन में ही आपका एक वीडियो बना देंगे कि कब आपकी वीडियोस स्टार्ट होंगी तो बहुत जल्द आपका स्टार्ट हो जाएगा ठीक है ठीक है तो चलिए एंड टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर यूज्ड होते हैं श्यामल जी कह रहे हैं ठीक है जल्दी से बताइए डिप्लीशन लेयर को और किस नाम से जाना जाता है सिविल इंजीनियरिंग कब से स्टार्ट होगा अभी बताया सनी जी आपका बहुत जल्दी स्टार्ट होगा चलिए अब बातें बहुत सारी हो गई है अब सिर्फ हम बात करेंगे सेमीकंडक्टर डायोड्स की ठीक है तो सेमी कंडक्टर डायोज जैसे कि मैंने यहाँ लिखा भी है पी एन जंक्शन पहले बात करते हैं पी एन जंक्शन कैसे फॉर्म होता है एक्चुअल में जंक्शन क्या है आप कैसे फॉर्म करेंगे ठीक है तो यहाँ पे मैंने जैसे मेंशन भी किया है पी एन जंक्शन इज फॉर्म्ड व्हेन वन साइड ऑफ द सेमी कंडक्टर क्रिस्टल इज डोप्ड विद एन टाइप एंड द अदर साइड इज डोप्ड विद डोब्ड पी टाइप इम्प्योरिटी आपने पी एन जंक्शन का फॉर्म हो रहा है जब एक सेमी कंडक्टर है उसकी सेमी कंडक्टर semiconductor, आपने सेमी कंडक्टर की एक साइड को पी टाइप से डोप किया और दूसरी साइड को एन टाइप से डोप किया तब आपका पीएन जंक्शन होगा तो नाउ क्वेश्चन अलग सेमी कंडक्टर पी टाइप से डोप किया एक अलग सेमी कंडक्टर है उसे एन टाइप से डोब किया अब इन दोनों को अगर हम ग्लू कर दे तो क्या तब भी आपका पी एन जंक्शन फॉर्म होगा कोई कमेंट करके बता सकता है पी एन एन टाइप ज्वाइन टूगेदर वही चीज़ मैं बता रही हूँ अभी कि आप सेम सेमीकंडक्टर लेते हैं याद रखिएगा पी एन जंक्शन तभी फॉर्म होता है जब आप सेम सेमीकंडक्टर है उसका एक एंड को पी से आप इम्प्योरिटी डोप uh, करेंगे अदर साइड को आप एन टाइप से तभी आपका डिफ्यूजन पॉसिबल होता है अगर आपने अलग पी लिया डिफरेंट एन लिया एंड देन वी ग्लू टुगेदर देन पी एन जंक्शन विल नॉट फॉर्म्ड तब आपका पी एन जंक्शन फॉर्म नहीं होगा वही मैंने यहाँ पर चीज़ लिखी है पी एन जंक्शन इज फॉर्म्ड वेन वन साइड ऑफ द सेमी कंडक्टर क्रिस्टल इज डोप्ड विद एन टाइप एंड अदर साइड इज डोप्ड विद विदी टाइप इम्प्योरिटी इफ स्ट्रक्चरल कंटिन्यूटी टेक्स प्लेस अगर स्ट्रक्चरल कंटिन्यूटी स्ट्रक्चरल कंटिन्यूटी मतलब एक ही स्ट्रक्चर है डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर नहीं आ रहे ऑब्वियसली ठीक है तो इफ़ स्ट्रक्चरल कंटिन्यूटी टेक्स प्लेस देन ओनली डिफ्यूजन अकर्स तभी आपका डिफ्यूजन अकर होगा अदरवाइज डिफ्यूजन नहीं होगा अगर आपका अलग पी है डिफरेंट एल है और आपने फिर उसको ग्लू कर दिया किसी भी थ्रू जोड़ दिया तब आपका डिफ्यूजन नहीं होता है ठीक है इलेक्ट्रिकल टाइम मैम विजय जी अभी इलेक्ट्रिकल की क्लासेस नहीं चल रही हैं जैसे ही आपकी इलेक्ट्रिकल की क्लासेस चलेंगी तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा ठीक है टाइम टेबल मैम तो विजय जी अभी आपका मैं इसी का टाइम टेबल बता सकती हूँ इसी की टाइमिंग है आपकी कितनी थ्री पी टू फोर पी एम की चलती है फोर पी टू सिक्स पी एंड आपके सिविल की क्लासेस चलती है एट पी ऑनवर्ड्स ठीक है तो अभी इलेक्ट्रिकल की क्लासेस नहीं हो रही है जैसी आपकी इलेक्ट्रिकल की क्लासेस होंगी तो बता दिया जाएगा सो नाउ बैक टू द पीएन जंक्शन अब आपका मैंने अभी बताया जस्ट पीएन जंक्शन आपका कैसे फॉर्म होता है अब बात की थी डिफ्यूजन की डिफ्यूजन कमेंट करके बताइए जल्दी से व्हाट इज डिफ्यूजन डिफ्यूजन से आप क्या समझते हैं व्हाट इज डिफ्यूजन कमेंट करके बताइए जल्दी से व्हाट इज डिफ्यूजन सभी के आंसर चाहिए मुझे यहाँ पे काफी सारे लोग दिख रहे हैं तो सभी का मुझे कमेंट चाहिए व्हाट इज डिफ्यूजन डिफ्यूजन से आप क्या समझते हैं ये मैंने पहले भी आपको प्रीवियस क्लासेस क्लास में भी आपको एक्सप्लेन किया था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफ्यूजन डिफ्यूजन से तो जल्दी से कमेंट करके बताइए ट इज डिफ्यूजन कमेंट करिए जल्दी से वट इज डिफ्यूजन तो डिफ्यूजन क्या होता है जैसे कि मैंने बोर्ड पर भी लिखा है डिफ्यूजन क्या होता है मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू द लोअर कंसेंट्रेशन जैसे मैंने डायग्राम आपका एग्जाम्पल भी दिया था कि अगर एक रूम में बहुत सारे लोग हैं और दूसरे रूम में एक दो लोग है तो ऑब्वियसली जहां पे ज्यादा लोग है वो कहां जाना चाहेंगे जहां पे खाली स्पेस है सिमिलरली इट है पार्टिकल्स और दी पार्टिकल्स ठीक है तो वही चीज़ आपके पार्टिकल्स के साथ भी होती है या फिर इलेक्ट्रॉन्स होल्स के साथ भी होती है कि वो क्या करते हैं आपके पास मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर तो चार्ज कैरियर्स क्या है आपके इलेक्ट्रॉन या होल्स क्योंकि आपका नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज चार्ज को कैरी करता है तो मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू द लोअर कंसेंट्रेशन तो आपका हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंसेंट्रेशन में जाना ही इज नोन एज डिफ्यूजन इसी को ही आप कहते हैं डिफ्यूजन तो कमेंट भी आ चुका है हमारे पास अल्पना जी कह रही है माइग्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर्स बिल्कुल आ, अल्पना जी सही है फ्लो ऑफ मेजोरिटी कैरियर फ्रॉम द हाइर कंसेंट्रेशन टू द लोअर कंसेंट्रेशन आशीष जी कह रहे हैं रोहित जी कह रहे हैं हाई टू लो कन्वर्सेशन ठीक है अल्पना जी बिल्कुल सही है बस आशीष और रोहित जी का तो आंसर सही है अल्पना जी बिल्कुल सही है, आपका माइग्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर बट एक चीज मेंशन करना बहुत जरूरी है फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू द लो कंसेंट्रेशन हाई से लो में जाना ही आपका क्या कहलाता है डिफ्यूजन होता है ठीक है तो ठीक है आगे बढ़ते हैं तो दिस इज अ डिफ्यूजन अब डिफ्यूजन आपका पीएन जंक्शन में कैसे होगा वी विल सी लेटर अभी हमने सिर्फ डिफ्यूजन जाना है अब देखिए यहाँ पर डायग्राम बना लेते हैं अब आपके कमेंट करके बताइए इस डायग्राम को कंप्लीट इसीलिए नहीं मैंने किया है आप लोग बताएंगे व्हाट इज द मेजॉरिटी कैरियर्स इन द पी टाइप पी टाइप में मेजॉरिटी कौन सा है और एन टाइप में मेजॉरिटी में क्या है पी टाइप में माइनॉरिटी में कौन है और आपके एन टाइप में माइनॉरिटी में कौन है कमेंट करके जल्दी से बताइए पी और एन में मेजॉरिटी माइनॉरिटी कौन कौन से हैं इलेक्ट्रॉन होल्स विच वन कमेंट करिए जल्दी से तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे जब आप देंगे एग्जाम्पल दीजिए आशीष कुमार जी किस चीज़ का एग्जाम्पल आप पूछ रहे प्लीज स्टेटमेंट पूरा लिखा करिए सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड बिकॉज बहुत सारे कमेंट्स आते हैं तो वो मिक्स हो जाता है थोड़ा सा तो कमेंट करके बता दीजिए आप किस चीज़ का एग्जाम्पल चाहते हैं आशीष जी शिवम जी कह रहे हैं होल्स आशीष कुमार जी कह रहे हैं होल्स प्लीज मैंशन की पी टाइप मेजोरिटी इज इक्व टू दिस वन माइनॉरिटी इज इक्वल टू दिस वन देन कमेंट एन टाइप पी मेजॉरिटी दिस वन माइनॉरिटी दिस वन होल्स अब किस चीज़ का कह रहे हैं मैं नहीं समझ पाऊंगी ऐसे श्यामल जी कह रहे हैं टाइम टू आर करो मैम श्यामल जी देखिए अभी तो फिलहाल तो पॉसिबल नहीं है लेकिन आ, मैं कोशिश करूँगी कि दो बार की टाइमिंग हो जाए लेकिन आप लोग को भी प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे अगर स्टूडेंट्स काफ़ी हो जाते हैं हमारी वाचिंग अच्छी जाएगी तो मैं डेफ़िनेटली टाइमिंग बढ़ा दूँगी अगर वॉचिंग हमारी कम जाएगी तो फिर मैं कैसे कर पाऊँगी अगर आप कम लोग आते हैं आज तो फिर आपकी टाइमिंग मैं इंक्रीज़ नहीं कर पाऊँगी तो इट्स ऑल्सो अप टू यू आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए लाइक करिए सो so देट की आपकी टाइम इंक्रीज हो जाए ठीक है तो पी में माइनॉरिटी इज इलेक्ट्रॉन पी टाइप में मेजॉरिटी होल्स अल्पना जी कह रही हैं शिवम जी कह रहे हैं पी माइनॉरिटी आशीष जी कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन इन एन टाइप नमन जी कह रहे हैं पी होल्स एन इलेक्ट्रॉन ठीक है श्यामल जी आशीष जी सभी लोग आंसर कर रहे हैं बिल्कुल सही है ठीक है अब आप लोग ने आंसर किया है तो गलत तो हो ही नहीं सकता तो देखते हैं ठीक है आप लोग भी सोच रहे होंगे कि मैम कितना इजी क्वेश्चन कम ऑन ये तो ऐसे 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 बता दें है ना बट यहीं थोड़ी सी मिस्टेक भी हो जाती है देखते हैं ठीक है तो आपके पास एंड में क्या है मेजॉरिटी आदि इलेक्ट्रॉन्स एंड माइनॉरिटी में क्या है आपके पास होल्स ये तो सभी को पता होगा हम काफ़ी पहले से पढ़ते आ रहे हैं पी में मेजॉरिटी है कौन है आपके मेजॉरिटी में आपके होल्स हैं एंड माइनॉरिटी में क्या है आपके पास इलेक्ट्रॉन इतना तो सभी को पता होगा ठीक है इसका रीजन भी हमने जाना था कि वाई एन में इलेक्ट्रॉन्स ही क्यों मेजोरिटी में वाई इलेक्ट्रॉन्स आर इन मेजोरिटी इन द पी टाइप एंड वाई होल्स आर इन मेजोरिटी इन द एन टाइप क्यों ऐसा है वो हमने प्रीवियस वीडियोज में आपके देख लिया था अब आगे बढ़ते हैं इनसे कि ये तो हमें पता है इसका रीजन भी पता है तो खैर रीजन का यहाँ पे इंपॉर्टेंस नहीं है यहाँ पर बस इस चीज़ को जानना इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं पी में क्या आपके पास होल्स ज्यादा हैं तो यहां पे बना लेते हैं हम होल्स ये बन गए आपके यहां पे भी माइनॉरिटी में होल्स होंगे तो यहां पे होल्स बना लेते हैं एंड देन होंगे आपके पास फ्यू इलेक्ट्रॉन्स ये बन गए आपके पास इलेक्ट्रॉन्स और n टाइप में तो मेजोरिटी में इलेक्ट्रॉन्स है तो मेजोरिटी में इलेक्ट्रॉन्स बना लेते हैं ये बन गया आपके पास इलेक्ट्रॉन्स दिस इज नथिंग बट योर इलेक्ट्रॉन्स एंड दिस होल्स नाउ विल सी कि अब डिफ्यूजन के डिफ्यूजन कैसे होगा आपके पास देखते हैं अब आप देखिए यहां पर यहां पर आपके पास क्या है? होल यहाँ पर जो आपकी मेजोरिटी में क्या इलेक्ट्रॉन्स आपके यहाँ पर क्या लो कंसेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स है जब यहाँ पर हाई कंसनट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है एंड हेर वी हैव द लो कंसनट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन दैन ऑब्वियसली हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन क्या होता है आपके पास डिफ्यूजन तो डिफ्यूजन होगा तो आपके इलेक्ट्रॉन किधर मूव करना चाहें

हाई कंसेंट्रेशन है होल्स की और यहाँ पर आपके पास लो कंसेंट्रेशन है होल्स की तो जब हाई एंड लो कंसेंट्रेशन ऑब्वियसली हाई से लो जाना चाहेंगे आपके होल्स तो अब आपके होल्स किधर जाएंगे इस साइड मूव करेंगे तो अब नाउ व्हाट विल हैपन कोई कमेंट करके बता सकता है कि अब क्या होगा जब आपके इलेक्ट्रॉन भी मूव करे और आपके होल्स ने भी मूव किया देन व्हाट विल हैपन कमेंट करके बताइए जल्दी से क्या होगा हमारे पास और एक चीज और याद रखनी है आपका जब इलेक्ट्रॉन आपको पता ही है एन टाइप में चलिए इस चीज को बाद में डिस्कस करेंगे पहले यही बताइए कि आपके इलेक्ट्रॉन इधर गए होल्स इधर गए तो क्या होगा देन वॉट विल हैपन कमेंट करके बताइए जल्दी से क्या होगा राहुल कुमार तो जी कह रहे गुड आफ्टरनून आई गॉट वन जीरो बहुत अच्छे मार्क्स है राहुल जी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको एंड ठीक है रिकॉम्बिनेशन होगा तो चलिए देखते हैं बिल्कुल आपने सही कहा आशीष जी अब आपका क्या होगा रिकॉम्बिनेशन होगा री का मतलब क्या होता है कमेंट करके बताइए जल्दी से रिकॉम्बिनेशन होगा हमें बता चुके हैं यहाँ पर डिप्लीशन लेयर लेना जी कह रही डिप्लीशन लेयर फॉर्म होगी डिप्लीशन लेयर विल बी क्रिएटेड तो डिप्लीशन ले क्रिएट होगी बट उससे पहले क्या होगा रिकॉम्बिनेशन होगा अब कमेंट करके आपको बताना है व्हाट इज रिकॉम्बिनेशन रिकॉम्बिनेशन से आप क्या समझते हैं कमेंट करके बताइए जल्दी से रिकॉम्बिनेशन क्या है आपके पास जल्दी से कमेंट करिए व्हाट इज रिकॉम्बिनेशन जल्दी से कमेंट करके बताइए व्हाट इज रिकॉम्बिनेशन सनत जी कह मिश्रा जी कह रहे हैं ट्रैप ओके व्हाट इज रिकॉम्बिनेशन कमेंट करके बताइए जल्दी से ठीक है तो होता क्या है बेसिकली व्हाट विल हैपन बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन दे विल मूव अब जब मूव करेंगे तो एक पोजीशन आएगी जहां पे ये आपके से मैट होंगे एक दूसरे से होल एंड विल मैट ही चे ठीक है और जैसे ही मिलेंगे तो क्या होगा रिकॉम्बिनेशन होगा ठीक है इसी को ये आपके रिकम्बाइन करते हैं तो चलिए अभी यहाँ से मैं मूवमेंट को थोड़ा सा हटा देती हूँ सो देट वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज रिकॉम्बिनेशन तो यहाँ से फिलहाल आपके होल्स ऑटोमेटिकली समझ जाएगा ठीक है हमारी इमेजिनेशन वैसे भी अच्छी होती है वे तो आपको इमेजिन करना है कि अभी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है और होल्स भी मूव कर रहे हैं बेशक मैंने एरो हटा दिया है ठीक है तो अब आपके जब सी होल्स मूव करेंगे इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो बीच में ऑब्वियसली दे विल रिकम्बाइन ठीक है वो एक दूसरे से मिलेंगे तो आपका रिकॉम्बिनेशन होता है हम जस्ट अभी थोड़ी देर में समझेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिकॉम्बिनेशन तो आपके जैसे रिकम्बाइन करेंगे इलेक्ट्रॉन एंड होल विल डिसर और आपके वहां पे डिसपेयर हो जाते हैं डिसअपियर का मतलब क्या है वो जस्ट अभी हम जानेंगे थोड़ी देर में तो बस इतना ध्यान रखिए अभी फिलहाल के लिए कि जैसे ही रिकम्बाइन होगा इलेक्ट्रॉन और होल आपके डिसअपियर हो जाते हैं और वहाँ पर आपका कौन सा चार्ज आता है कोई कमेंट करके बता सकता है कमेंट uh, आया हम मिक्सिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स वेन होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स मिक्सड फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड आशीष कुमार जी आपकी तो ई सी काफ़ी अच्छी है ठीक है बिल्कुल आपका मैं इस पॉइंट को एक्सप्लेन करूंगी अभी थोड़ी देर में आशीष कुमार जी कह रहे हैं होल्स ठीक है तो देखिए यहां पर क्या हुआ जैसे ही आपका रिकम्बाइन हुआ तो यहां पर आपकी डिप्लीशन लेयर फॉर्म हो जाती है क्यों फॉर्म हो जाती है कोई बता सकता है जल्दी से कमेंट करके बताइए जल्दी से तभी हम अच्छे से पढ़ेंगे इसको एक फ्लो में डिप्लीशन लेयर क्यों फॉर्म हो रही है रिकॉम्बिनेशन हुआ ठीक है बट डिप्लीशन लेयर क्यों फॉर्म हो गई कमेंट करिए जल्दी से इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन ठीक है चलिए तो देखते हैं ठीक है यहां पर आपके पास पहले डायग्राम बना लेते ड्यू टू डिफ्यूजन वी हैव अ यहाँ पर एक रीजन बन जाता है एक फॉर्म बन जा एक रीजन फॉर्म हो जाता है जिसको आप कहते हैं डिप्लीशन लेयर क्यों ये रीजन बना क्योंकि आपका रिकॉम्बिनेशन की वजह से एक रीजन बनता है ठीक है तो यहाँ पर कमेंट भी आ चुका इ मोबाइल आयन आर ओनली प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन होल कंसेंट्रेशन आशीष कुमार जी कह रहे हैं आपकी क्लास डेली हो रही है क्या बिल्कुल आशीष कुमार जी हमारी डेली क्लास हो रही है थ्री पी एम टू फोर पी एम ठीक है ड्यू टू क्रिएशन ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस चैनल्स ठीक है पोटेंशियल की भी हम बात करेंगे तो चलिए अब देखते हैं ठीक है तो यहाँ पर हमने देखा कि आपके होल्स मूव करें इलेक्ट्रॉन ने मूव किया रिकम्बाइन हुए रिकम्बाइन की वजह से क्या हुआ यहाँ पे एक रीजन क्रिएट हुआ दिस इज नोन एज डिप्लीशन लेयर और इसी को ही आपने कहा क्या डिप्लीशन लेयर डिप्लीशन लेयर दिस इज नोन एज डिप्लीशन लेयर ठीक है अभी आपने बाइसिंग नहीं करी है बाइसिंग के बिना भी आपके डिप्लीशन लेयर फॉर्म होती है अब डिप्लीशन लेयर बाइसिंग करने पे कम होगी या ज्यादा होगी वो अलग मैटर है बट याद रखिएगा डिप्लीशन लेयर डिप्लेशन फॉर्म में भी फॉर्म होती है ठीक है अब जब आप देख पा रहे हैं कि यहां पर क्या है डिप्लीशन लेयर फॉर्म हो गई है ठीक है तो यहां पर आपको दिख रहा है पॉजिटिव चार्ज ठीक है पॉजिटिव क्यों आया आप समझ पा रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन ने मूव किया है ठीक है तो और यहां पर होल्स ने मूव किया है तो जब यहां से जाएगा तो ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज है ठीक है से इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज है ठीक है तो यहाँ पर डिप्लीशन डिप्लीशन लेयर लेयर है अब बताइए की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी यहाँ पर होगी या नहीं होगी तो कमेंट आया हमारे पास ड्यू टू क्रिएशन ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस चैनल्स कमेंट करके बताइए जल्दी से डिप्लीशन लेयर अभी हमने फॉर्म कर लिया क्योंकि रिकम्बाइन हुआ रिकम्बाइन के बाद आपकी स्पेस रीजन आपका क्रिएट हो गया दिस इज नॉन एज डिप्लीशन रेयर या फिर स्पेस चार्ज रीजन ठीक है अब बताइए जल्दी से अब क्या होगा इसके बाद कमेंट करके बताइए जल्दी से रिकॉम्बिनेशन के बाद क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड शिवम जी कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ठीक है कमेंट करिए जल्दी से ठीक डायरेक्टेड फ्रॉम एन साइड टू द पी साइड बिल्कुल आपके अब देखिए यहाँ पर पॉजिटिव है यहाँ पर नेगेटिव है पॉजिटिव टू नेगेटिव ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ठीक है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है पॉजिटिव जैसे ही आपके चार्ज बन गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप आ गई वहाँ पे ठीक है तो ऑब्वियसली यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन हमें पता है ठीक है इलेक्ट्रिक फील्ड के अभी डायरेक्शन नहीं बनाते तो आपको ये समझ आ गया है इतना कि यहाँ पर जैसे स्पेस चार्ज आए यहाँ पर इमोबाइल चार्ज कैरियर्स आए इमोबाइल चार्ज कैरियर्स की वजह से क्या हुआ आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आई ड्यू टू अनकवरिंग ऑफ आयोनाइज चार्ज कैरियर्स यहाँ पे इमोबाइल आयोनाइज चार्ज कैरियर्स हैं ऑब्वियसली क्योंकि ये न्यूट्रल है ये न्यूट्रल है बट ये तो अनकवर्ड है ये ये तो न्यूट्रल नहीं है क्यों ये न्यूट्रल है बिकॉज यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन में आपके यहाँ पर चार्ज होंगे आपके जो चार्ज होंगे कौन सा चार्ज हो यहाँ पर? यहाँ पर चार्ज होगा होगा पर पर पॉजिटिव रहा हुगा? क्योंकि आपका डोनर है ये डोन टाइप क्या होता है आपके पास डोनर होता है और डोनर क्या करता है आपका इलेक्ट्रॉन देता है इसलिए यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज होगा यहां पर मैंने बनाया नहीं है बट और यहाँ पर भी आपके होल्स में क्या होगा आपके एक नेगेटिव आयन होगा यहाँ पे तो नेगेटिव क्यों होगा क्यों बिकॉज आपके होल्स होल्स सॉरी पी टाइप में क्या होता है आपके पी टाइप में क्या है पी टाइप में आपकी आपकी ट्राई वैलेंट एम्प्योरिटी है ट्राई वैलेंट है तो एक आपका इलेक्ट्रॉन कम होता है तो वहां पे इलेक्ट्रॉन आता है और आपको पता होगा केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा जब इलेक्ट्रॉन दिया जाता है जो देता है उसके पास होता है पॉजिटिव चार्ज और जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है उसके पास आता है नेगेटिव चार्ज तो वही चीज़ है आपके पास यहाँ आया नेगेटिव चार्ज और जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा इधर और पोल मूव करेगा इधर तो आपके ये क्या होंगे रिकम्बाइन होंगे और आपकी ये जो चार्ज ये जो ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव थे ये दे विल अनकवर तो यही हो जाएगी अनकवरिंग आयोनाइज पार्टिकल्स यही आपके पास अनकवरिंग आपके पास क्या होंगे तो कमेंट आए हमारे पास वोल्टेज फॉर्म्ड ठीक है अनकवरिंग ऑफ आयोनाइज इंप्योरिटीज ड्यू टू अनकवरिंग ऑफ आयोनाइज इम्प्योरिटीज़ इलेक्ट्रिक फील्ड इज जनरेटेड ठीक है बहुत जगह डाउट होता है कि जब आप बाइसिंग करते हैं तभी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है ऐसा नहीं होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आपके अनबाइस्ड फॉर्म में भी हो जाता है ठीक है तो आपका यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्वियसली जनरेट हुई है ड्यू टू दिस चार्जेस ऑब्वियसली ठीक है वोल्टेज फॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट बिल्कुल सही आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी तो अब देखिए जब आपके इलेक्ट्रॉन ने मूव किया था एंड होल्स ने मूव किया था बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन डिफ्यूजन की वजह से जब मूव कर रहे थे तो जब इलेक्ट्रॉन ने मूव किया एंड होल्स ने मूव किया तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से कोई करंट भी तो फ़्लो करेगा क्योंकि करंट क्या होता है इट इज़ नथिंग बट द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के मूवमेंट की वजह से भी करंट आपका फ़्लो करेगा तो दोनों की तरफ से जब करंट फ्लो करेगा तो करंट की डायरेक्शन देख लेते हैं तो अगर मैं यहाँ पर आपके करंट की डायरेक्शन बना दूँ डिफ्यूजन करंट, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कहाँ होगी अगर ये पी है ये एन है होल्स की मूवमेंट है इधर यहाँ पे हमारे होल्स मूव कर रहे हैं ड्यू टू डिफ्यूजन मैं बता रही हूँ यहां पर आपके इलेक्ट्रॉन ने मूव किया एन टू पी ही तो ये आपका डिफ्यूजन बना रही हूँ तो ऑब्वियसली आपका करंट डिफ्यूजन करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा इन दिस डायरेक्शन वाई इंड डायरेक्शन करंट विल ऑलवेज फ्लो इन द डायरेक्शन ऑफ द होल्स एंड टू ऑपोजिट डायरेक्शन टू द इलेक्ट्रॉन आपका करंट वहीं फ्लो करता है आपके होल्स की डायरेक्शन में और इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट डायरेक्शन में तो आप देख पा रहे होल्स आपके इस साइड मूव कर रहे थे तो ऑब्वियसली करंट इस डायरेक्शन में दूसरा केस क्या है इलेक्ट्रॉन जिस साइड मूव करा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ही डिफ्यूजन करंट फ्लो करता है तो आपका डिफ्यूजन करंट विल मूव इन दिस डायरेक्शन अब वापस से आ जाता है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है तो जैसे ही आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई इलेक्ट्रिक फील्ड आई तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा कमेंट करके बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा गिव राइज टू द ड्रिफ्ट करंट जब इलेक्ट्रिक फील्ड है तो आपके पास ड्रिफ्ट करंट इंड्यूस हो जाएगा ठीक है तो अब वो ड्रिफ्ट करंट क्या करेगा कोई बता सकते हैं कमेंट करके जल्दी से कमेंट करके बताइए स्टेप बाय स्टेप हम लोग चल रहे हैं कमेंट करके बताइए जल्दी से ड्रिफ्ट करंट फ्लो आशीष कुमार जी कह रहे हैं ड्रिफ्ट करंट आपका फ्लो करेगा ठीक है जल्दी से कमेंट करके बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा आपका ड्रिफ्ट करंट होगा और ड्रिफ्ट करंट की वजह से ही मैंने पूछा है तो ड्रिफ्ट करंट की वजह से क्या होगा ड्यू टू तो ड्रिफ्ट करंट क्योंकि आपके पास ड्रिफ्ट करंट आया है तो ड्रिफ्ट की वजह से क्या होगा जो भी आपके माइनोरिटी में होल्स हैं क्योंकि ड्रिफ्ट लगा है ठीक है तो ड्रिफ्ट करंट जैसे ही आया तो जो भी आपके माइनॉरिटी चार्ज के एरियस है दैट इज होल्स इन द पी एंड साइड तो जैसे ही आपके होल्स हैं ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ड्रिफ्ट करंट दिस होल्स विल मूव टू दिस साइड या और वी कैन से टू दी साइड एंड द इलेक्ट्रॉन दैट इज प्रेजेंट इन द पी साइड इट विल मूव टू एन साइड तो याद रखेगा इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि अगर करंट की डायरेक्शन हम लोग बनाएं तो आपके इलेक्ट्रॉन किस साइड मूव करें दिस साइड बिकॉज ऑफ दिस ड्रिफ्ट करंट एंड आपके होल्स जो मूव कर रहे हैं वो आपके पास होंगे इस डायरेक्शन में तो आपके ड्रिफ्ट करेंट की डायरेक्शन किधर होगी ऑब्वियसली दिस साइड बिकॉज अभी मैंने जस्ट आपको बताया कि आपके करंट की डायरेक्शन होती है होल्स वाली साइड पे और आपके इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन कहाँ होती है हमेशा करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में तो ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजन करंट विल बी इन दोजिट डरेक्शन याद रखिएगा इस चीज को हमने दो करंट पढ़े डिफ्यूजन करंट एंड ड्रिफ्ट करंट क्यू इंड्यूस से क्यू इंड्यूस हुए हैं सिंपल सा था डिफ्यूजन हुआ तो इलेक्ट्रॉन एंड होल्स की मूवमेंट हुई तो डिफ्यूजन करंट आपका फ्लो हो गया अब ड्रिफ्ट करंट क्यों फ्लो हुआ बिकॉज आपके पास जैसे ही रिकॉम्बिनेशन हुआ तो आपके स्पेस चार्ज बने इमोबाइल चार्ज कैरियर्स बने इमोबाइल चार्ज कैरियर्स की वजह से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आपका ड्रिफ्ट करंट आया और उस ड्रिफ्ट करंट की वजह से ड्यू टू बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड दिस होल्स या फिर हम कहें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स विल मूव टू दी अदर साइड और आपके ये मूव कर जाते हैं ड्रिफ्ट करंट विल ओवरकम द बैरियर पोटेंशियल कैरीज विल अगेन फ्लो बिल्कुल सही है शिवोम जी ठीक है वर्षा जी अगेन सिविल की क्लास नहीं हो रही है क्या मैम सिविल की क्लास आपकी डेली होती है 8 पीएम की बट गेट की क्लासेस आपके बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएंगी और आपको बिल्कुल बता दिया जाएगा नमन जी मैं इलेक्ट्रिकल का भी बता चुकी हूँ अभी इलेक्ट्रिकल की क्लासेस नहीं चल रही हैं और अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो गेट में बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपके ई से ही मिलते हैं बहुत कॉमन हमारे सब्जेक्ट्स हैं तो आप डेफिनेटली बहुत सारे जैसे आपका ई तो मैं नहीं कहूँगी आपका सब्जेक्ट है बट डिजिटल है आपके बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो हमसे मिलते हैं सिग्नल सिस्टम है कंट्रोल सिस्टम नेटवर्क तो जब हम उनकी क्लासेस करेंगे तो डेफिनेटली आप भी वहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड आपकी इलेक्ट्रिकल के बैचेज़ जब भी स्टार्ट होंगे तो बता दिए जाएंगे सो डोंट वरी ठीक है अभी ई पढ़ लीजिए ठीक है तो ये हुआ आपके पास करंट फ्लो हो गया आपको समझ आ गया किसी को कोई डाउट है डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट करंट कैसे फ्लो हुए हैं किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए जल्दी से नाउ माय क्वेश्चन अब कब तक ये आपका डिफ्यूजन टेक्स प्लेस कब तक ऐसा डिफ्यूजन चलता रहेगा आपके पास क्या दिन रात ये डिफ्यूजन होता रहेगा हमेशा जिंदगी भर डिफ्यूजन होता रहेगा कब तक डिफ्यूजन होगा कोई तो लिमिट होगी इसकी तो टू वट आप कह सकते हैं टिल हाउ लॉन्ग द डिफ्यूजन टेक्स प्लेस आपके पास कितनी देर तक आपका डिफ्यूजन होगा ठीक है शिवम जी कह रहे हैं क्लियर है चलिए बहुत अच्छी बात है तो आप कमेंट करके बताइए कितनी देर तक आपका डिफ्यूजन होगा या फिर मैं कहूं कब तक आपका डिफ्यूजन होगा कमेंट करके बताइए जल्दी से कमेंट करके बताइए कब तक आपका डिफ्यूजन होगा जब तक यहाँ पर रब कर देते हैं, ठीक है? चल, पहले ही कब तक आपका डिफ्यूजन होगा यहाँ पे जब तक कि आपका जंक्शन जो है इक्विलिब्रियम में ना आ जाए और कब इक्विलिब्रियम में आएगा जब आपका वन आई ड्रिफ्ट इज इक्वल टू आई डिफ्यूजन जब तक आपके पास आई ड्रिफ्ट इक्वल्स टू आई डिफ्यूजन ना हो जाए तब तक आपका डिफ्यूजन होता रहेगा ठीक है और यही चीज मैंने आपके बोर्ड में भी लिखी है वही चीज़ें मैंने लिखी है ड्यू टू डिफ्यूजन इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम एन साइड एंड होल्स मूव फ्रॉम द पी साइड एंड दे रिकम्बाइन और ये रिकम्बाइन करेंगे ड्यू टू डिफ्यूजन अ रीजन इज क्रिएटेड ऑन बोथ साइड ऑफ द जंक्शन एंड दिस इज डिड ऑफ मोबाइल चार्ज स और यहाँ पर आपके जो डिप्लीशन लेनेगा वहां पर मोबाइल चार्ज कैरियर नहीं होंगे वो मूव नहीं करेंगे वो आपके इमोबाइल चार्ज कैरियर होंगे आपको दिख भी रहा है इमोबाइल चार्ज कैरियर डिप्लीशन रीजन इज अजिस्टिविटी रीजन कोई रीजन बता सकता है वाई वी कंसिडर डिप्लेशन लेयर इज अजिस्टिविटी रीजन आप क्यों डिप्लीशन रीजन को हाई रेजिस्टिविटी रीजन कहते हैं कोई बता सकता है कमेंट करके ओके आशीष कुमार जी कह रहे हैं डिफ्यूजन विल प्लेस एंटिल देयर इज अ प्लेंटी ऑफ स्पेस चार्ज टू अपोज इन अदर वर्ड्स वी कैन से आई ड्रिफ्ट आपके पास आई डिफ्यूजन ना हो जाए ठीक है अब मैंने क्वेश्चन पूछा आपसे ना अगेन आई एम रिपीटिंग माई क्वेश्चन डिप्लीशन रीजन इज अजिटिव हाई रेजिस्टिविटी रीजन बट वाई सिंपल क्वेश्चन था डिप्लीशन आपने सभी ने सुना होगा हाई रेजिस्टिविटी रीजन कहा जाता है बट ऐसा क्यों कमेंट करके बताइए जल्दी से कमेंट करके बताइए ड्यू टू सिलीकन मटीरियल सिलीकन मटीरियल की वजह से सेनापति जी कह रहे हैं सेनापति जी थोड़ा सा गलत कह रहे हैं ठीक है सही आंसर बताइए सोचे थोड़ा सा क्यों रे, हाई रेजिस्टिविटी कहते हैं इम मोबाइल लाइन विल अपोज द इलेक्ट्रॉन एंड होल्स आशीष कुमार जी कह रहे हैं देखिए आपका जो डिप्रिशन या फिर मैं कहूं रेजिस्टिविटी जो रेजिस्टिविटी होती है वो डिपेंड करती है डिपेंड्स अपॉन द डेंसिटी ऑफ द मोबाइल चार्ज कैरियर कितने मोबाइल चार्ज कैरियर की डेंसिटी है इस पर डिपेंड करती है आपकी कौन रेजिस्टिविटी बट हेव वी हैव द इमोबाइल चार्ज कैर यहाँ पर और डिप्लीशन लेयर में क्या आपके पास ये मोबाइल चार्ज कैर तो जब आपके पास मोबाइल चार्ज कैरियर ही नहीं है तो आपकी डेंसिटी आपकी ऑब्वियसली क्या है यहाँ पर रेजिस्टिविटी हाई है क्योंकि आपकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो डिपेंड करती है आपकी डेंसिटी ऑफ द मोबाइल चार्ज कैरियर दैट इज़ वाई आपके पास डिप्लीशन रीजन इज इज़ अ हाई रेजिस्टिविटी रीजन इसीलिए इसको हाई रेजिस्टिविटी रीजन कहा जाता है क्योंकि इसमें कोई मोबाइल चार्ज कैरियर्स नहीं है तो जब सब इमोबाइल हैं तो यहाँ पर क्या होगा रेजिस्टिविटी होगी या फिर आप खुद भी देख सकते थे आपके पास यहाँ पे जब आपके पास करंट फ्लो करता है नॉर्मली भी अगर हम उस तरीके से भी सोचते तो आपका करंट फ्लो करता कब करता है जब आपके पास मोबाइल चार्ज कैरियर्स होते हैं और जब आपके पास यहाँ पे मोबाइल चार्ज कैरियर्स नहीं है तो करंट नहीं है ठीक है आई मीन उस सेंस में अगर देखें हालांकि इसके पास डिफ्ट करंट है बट यहाँ पर आपके वो मोबाइल चार्ज कैरियर्स नहीं है उम मोबाइल है उम मोबाइल है तो क्या होगा इम मोबाइल है तो? तो आपके पास ऑब्वियसली रेजिस्टिविटी ज़्यादा ही होनी थी ठीक है डायरेक्टली आप समझ पा सकते हैं बिकॉज ऑफ अनकवरिंग ऑफ द आयोनाइज इम्प्योरिटी ऑफ अ फील्ड इज इस्टेब्लिस्ड विच गिव राइज टू दी ड्रफ्ट करंट जस्ट मैंने बताया क्योंकि आयोनाइज इम्प्योरिटी यहाँ पर जो आयोनाइज इम्प्योरिटी है वो अनकवर है इसीलिए ये गिव राइज करता है ड्रफ्ट करंट को इसी लिए आपका ड्रफ्ट करंट आपका इंड्यूस हो जाता है क्लियर द डाउट ठीक है आशीष कुमार जी क्लियर हो चुके हैं ओके प्रदीप जी कह रहे हैं ओके प्रदीप जी आपको कोई भी डाउट है तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं ठीक है ओके आशीष कुमार जी कहते हैं कोई नीड नहीं है आपको कोई भी डाउट हो आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं तो चलिए बात करते हैं आगे फील्ड गिव राइज टू द पोटेंशियल अब आपके फील्ड जब फील्ड है तो ऑब्वियसली फील्ड क्या प्रोड्यू गिव करें गिव राइज टू दी पोटेंशियल एंड दैट पोटेंशियल इज नोन एज मुंडे जी कह रहे हैं सिविल के लिए गेट की क्लास नहीं है क्या बहुत जल्द आपकी मैंने कितनी बार बता दिया ठीक है सिविल की क्लास आपकी बहुत जल्द होगी तो आपको बता दिया जाएगा जैसी अनाउंसमेंट होगा ठीक है और अभिमन जी कह रहे हैं हाय मैम हाय अभिमन जी डाउट है तो वो पूछ लीजिए ठीक है तो मैंने जस्ट अभी जैसे बताया फील्ड गिव राइज टू द पोटेंशियल और इस पोटेंशियल को जाना जाता है किस नाम से कॉन्टेक्ट पोटेंशियल कॉन्टेक्ट पोटेंशियल का और अदर नेम क्या है नाउ माई क्वेश्चन इज फॉर यू आपका कॉन्टेक्ट पोटेंशियल को और किस नाम से जाना जाता है कमेंट करके बताइए आशीष कुमार जी कह रहे हैं बैरियर पोटेंशियल ओके और कौन और चलिए लिख देते हैं बैरियर वोल्टेज या फिर बैरियर पोटेंशियल आप कहें बैरियर वोल्टेज और किस नाम से जाना जाता है इट इज ऑल्सो नोन एज वॉट बता चुकी आशीष जी मैं बिल्कुल आपकी रेगुलर क्लास चलती है 3 पी एम टू फोर पी एम ठीक है चलिए बताइए इट इज ऑल्सो नोन एज वॉट इन वोल्टेज और किस नाम से जाना जाता है ये तीन बेसिकली फेमस नाम है इसके बिल्ट इन वोल्टेज बैरर वोल्टेज कॉन्टैक्ट पोटेंशियल हालांकि पोटेंशियल हिल और एक दो नाम और हैं बट मोस्टली आपके एग्जाम में जो आपके पोटेंशियल uh, के नाम लिखे रहते हैं वो जनरली यही तीन होते हैं दैट इज़ बैर पोटेंशियल बिल्ट इन पोटेंशियल या बिल्ट इन वोल्टेज या फिर कॉन्टैक्ट पोटेंशियल ठीक है इसका केस हम अच्छे से तब जानेंगे जब आपका हम बायस कंडीशन पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा इस पोटेंशियल के बारे में तो सेनापति जी कह रहे हैं डिफ्यूजन पोटेंशियल बिल्कुल आपका डिफ्यूजन वोल्टेज या फिर डिफ्यूजन पोटेंशियल ठीक है यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है तो बता दीजिए जल्दी से अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं कमेंट करके बता दीजिए जल्दी से ओके okay, आशीष कुमार जी कह रहे हैं प्लेलिस्ट में नहीं मिल रहा है इसलिए पूछा है कोई बात नहीं आशीष जी बिल्कुल आप पूछ सकते हैं प्लेलिस्ट आपकी अपडेट हो गई है आप देख लीजिए डायरेक्टली आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में मैं एक बार फिर भी चेक कर लूंगी प्ले में और अगर प्ले सेपरेटली नहीं बनी है तो मैं उसको करेक्ट करवा के उसे करेक्ट कर दूंगी ठीक है सो डोंट वरी अबाउट दैट यहां तक कमेंट करके बता दीजिए अगर किसी को कोई भी डाउट है, अनबायस्ड आपको समझ आया है तभी आपको बाइसिंग वाला चीजें समझ आएंगी अगर आपके पास अनबायस्ड में डाउट रह गया तो बाइसिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी इसलिए मैं हर बार आपसे स्टेप बाय स्टेप पूछ रही हूं बार बार कि अगर कोई भी डाउट है यहां तक तो बता दीजिए ठीक है लगता है किसी को कोई डाउट नहीं है, है? ठीक है तो चलिए अब मेरा क्वेश्चन फिर मैं जब आपको समझ आए तो इट मीन्स मेरा तो क्वेश्चन बनता है तो अब आप लोग आंसर करेंगे कमेंट मुझे जल्दी से चाहिए ठीक है तो नाउ माय क्वेश्चन इज कि डिप्लीशन लेयर विल हेल्प द मेजॉरिटी कैरियर्स टू क्रॉस द जंक्शन और डिप्लीशन लेयर विल हेल्प द माइनॉरिटी कैरियर्स टू हेल्प टू क्रॉस द जंक्शन डिप्लीशन लेयर मेजॉरिटी को क्रॉस वो करेंगे आपका क्रॉस करने में हेल्प करेंगे या फिर माइनॉरिटी को आपके क्रॉस करने में हेल्प करेंगे डिप्लेशन लेयर किसको हेल्प करेगी आपके जंक्शन को क्रॉस करने में कमेंट करके बताइए जल्दी से जल्दी से कमेंट करिए आंसर क्या है डिप्लिशन लेयर किसको हेल्प करती है डिप्लीशन लेयर जो है आपके पास ये जो डिप्लीशन लेयर है वो आपका अपोज करती है डिप्लीशन लेयर विल अपोज द बट इट हेल्प द माइनॉरिटी कैरियर टू क्रॉस द जंक्शन आपके डिप्लीशन लेयर माइनॉरिटी को तो हेल्प करती है कि वो क्रॉस करते जंक्शन को बट आपके मेजोरिटी को अपोज करती है ठीक है तो आशीष कुमार जी का भी कमेंट आ चुका है माइनॉरिटी कैरियर और बिल्कुल सही है ठीक है तो यही था आपके पास एक अनबायस्ड कंडीशन कल हम पढ़ेंगे बाइसिंग कंडीशन इसमें कुछ फॉर्मूले अनबायस्ड के रह गए हैं कि अब अब हम पढ़ेंगे जो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे वट विल स्टडी विल स्टडी कितनी व्रर्थ है इसकी अनबायस्ड है तो व्रत तो होगी कितनी पर्टिकुलर तो उसके लिए कोई फॉर्मूला होगा तो वो के बारे में पढ़ेंगे कि वो व्रर्थ कितनी है किस पर डिपेंड करेगी बेसिकली डोपिंग करेंगे तो व्रथ आपकी बढ़ जाएगी या कम होगी क्या रिलेशन है बेसिकली उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे कॉन्टेक्ट पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला है बिकॉज यहाँ पर आपके पास आपने अभी पढ़ा कि कॉन्टेक्ट पोटेंशियल आपके पास यहाँ पे जनरेट हुआ है तो कितना कॉन्टेक्ट पोटेंशियल है कितनी व्यर्थ है वो चीज़ें भी तो पता होनी चाहिए क्योंकि व्यर्थ बनी है डिपिशन लेयर बनी है पर कितनी बनी है ज़्यादा बनी है कम बनी है कितनी व्यर्थ है उसकी तो कुछ फॉर्मुलेज हैं बेसिकली उन फॉर्मुलेज को पढ़ेंगे एंड देन विल स्टार्ट दी बाय कंडीशन एंड दैट विल बी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका फॉरवर्ड बायसिंग एंड रिवर्स बायसिंग और देखेंगे कि फॉरवर्ड बायस में आपका जो डिप्लीशन रीजन है वो बढ़ जाएगा घट जाएगा क्या हो रहा है बेसिकली इलेक्ट्रॉन विल मूव विच साइड होल्स के साथ क्या हो रहा है सभी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे तो कल बहुत अच्छे से पढ़ के आइएगा रिवाइज करके आइएगा बिकॉज अगर कल आज की क्लास नहीं पढ़ी है तो कल थोड़ा सा डाउट हो, हो जाएगा ठीक है तो इसीलिए बहुत अच्छे से आज पढ़ के आइएगा इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हों आपके पास प्रीवियस ईयर तो ढूंढिएगा मिल जाए तो उनको सॉल्व करके देखिएगा ठीक है तो अभी टाइम ख़त्म हो चुका है हमारा तो अभी क्लास को करते हैं फिनिश और कल हम मिलते हैं सेम टाइम पे 3 पीएम टू 4 पीएम एंड वीडियो पसंद आई तो लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब करना एंड फॉर द नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा. थैंक यू वेरी मच